हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी का नाम है स्विस आर्मी मैन। कहानी की शुरुआत में हमें समुन्दर के पानी में एक जूस का पैकेट दिखाई देता है जिसपे हेल्प मी लिखा हुआ होता है। तभी हम समुन्दर के बीचों बीच में एक बहुत ही बड़ा टापू देखते हैं जहाँ पे हैंक ये लड़का फंसा हुआ था। काफी हफ्तों तक वो यहाँ पे फंसा हुआ था और अब यहाँ पे उसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। यही सोचकर वो खुद को फांसी लगाने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसे किनारे पर एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई देता है। कैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वो उस आदमी के पास आता है, लेकिन हैंक देखता है कि वो आदमी ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से वो फार्ट करने लगता है। अब ये देखकर हैंक को लगता है कि शायद इसके शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया होगा। अब यहाँ पे हैंक उस आदमी का बेल्ट निकाल कर खुद को वापस से फांसी लगाने के लिए जाता है, पर तभी उस आदमी की लाश वापस से फार्टिंग करने लगती है जिसके कारण उसका शरीर पानी में ही तैरने लगता है। अब ये देखकर हैंक को एक आइडिया आता है और वो उस आदमी के पास जाकर उसके पेट पर एक रस्सी बांधता है और उसे जेट स्की की तरह यूज करता है और इस टापू से निकल जाता है। हैंक काफी खुश होता है कि फाइनली वो यहाँ से निकल पा रहा है, पर थोड़ी दूर जाने पर उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को मेन लैंड पर पाता है, मगर हैंक अभी भी किसी आसपास की जगह से काफी दूर होता है। साथ ही हैंक के साथ उस आदमी की लाश भी तैर कर यहाँ पे आ गई होती है और ना ही उसके फोन में कोई नेटवर्क था। अब यहाँ पे हैंक उस लाश को बांध कर उस जगह से जंगल में आता है, जहाँ पे रास्ते में हैंक को एक जैकेट और कुछ दूसरी चीजें भी पड़ी मिलती है जिन्हें वो अपने साथ रख लेता है। वही रात में बारिश होने लगती है और इसीलिए हैंक एक गुफा में आकर छिप जाता है और बारिश के पानी से वो अपनी प्यास बुझाता है। अब उसे कप मिला था जिसे वो बाहर रख देता है ताकि उसमें पानी भर के अगले दिन के लिए वो पी सके है। और अगली सुबह हैंक की जब आंख खुलती है तब वो देखता है कि एक जानवर उस लाश को सूंघ रहा है। अब हैंक को काफी भूख लगी थी इसीलिए उस जानवर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। और इसी में हैंक का पैर लगने के कारण जो कप भरा हुआ था उसका सारा पानी गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के मुंह में काफी सारा पानी भर गया था बारिश का और उसके मुंह से काफी सारा पानी निकलने लगता है। अब ये देखकर हैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, काफी प्यास लगी थी इसीलिए वही वो पानी पी जाता है। और तभी वो आदमी अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालता है जो कि सुनने में मैनी ऐसी सुनाई दे रही थी। अब ये सुनकर हैंक उस आदमी का नाम मैनी रख देता है, जिसके बाद मैनी अचानक से बोलने लगता है। पर ये देखकर हैंक काफी डर जाता है और मैनी को मुक्का मारकर वहाँ से डर कर भाग जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद हैंक वापस आता है देखने के लिए और वो देखता है कि मैनी दरअसल वापस से जिंदा हो चुका है। हैंक फिर उसके पास जाकर मैनी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर मैनी कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल यहाँ पे मैनी को अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि ये भी पता नहीं था कि घर क्या होता है। यानी कि यहाँ पे अब मैनी को अपने समाज के हर एक चीज के बारे में वापस से सारी चीजें जाननी पड़ेगी, मानो वो अभी अभी पैदा हुआ है। अब इधर मैनी हैंक से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तब हैंक उसे कहता है कि मैं दरअसल घर से भाग आया था, मैं इस जिंदगी से ही परेशान हो गया था। लेकिन आगे वो ज्यादा कहता नहीं है। अब हैंक जंगल में आसपास पड़े हुए कचरे को जमा करता है ताकि वो मैनी को दिखा सके कि अलग अलग चीजें क्या होती है। हैंक मैनी को जिंदगी क्या होती है, इंसान क्या होते हैं, वे लोग कैसे जीते हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी समझाने लगता है और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होने लगती है। अब हैंक मैनी से कहता है कि दरअसल मुझे अभी अपने घर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करो, जिसके बाद हम दोनों भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो, जिसके लिए मैनी भी हाँ कहता है। अब यहाँ पे मैनी जिंदा तो हो गया था लेकिन वो चल नहीं सकता था, इसलिए हैंक उसकी मदद करता है और दोनों भी आगे निकल पड़ते हैं। अब हैंक और मैनी एक जगह पे आकर लेटे हुए थे आराम करने के लिए, तभी मैनी अपने बाजू में एक मैगजीन देखता है, जिसे देखकर मैनी हैंक से पूछता है कि ये चीज क्या है। दरअसल वो अडल्ट मैगजीन होती है और तभी हैंक मैनी को इंसानों के अंदर की भावनाएं, उनकी इच्छाओं के बारे में समझाता है, जिसे सुनकर मैनी को काफी अच्छा लगता है। फिर खुश होकर वो हैंक को उन्हें कौन सी दिशा में जाना है ये बताने लगता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में हैंक को जानवरों की आवाजें आने लगती है और उनसे भागते हुए हैंक का पैर फिसल जाता है और वो मैनी के साथ एक बड़े से गड्ढे में नीचे गिर जाता है। इसी बीच में हैंक के पॉकेट से उसका फोन भी गिरता है और तभी फोन के वॉलपेपर में एक लड़की की तस्वीर देखते हैं जिसका नाम सारा था, जिसे हैंक स्कूल से आते वक्त देखा करता था, लेकिन उसने कभी सारा को बताया नहीं था कि वो उसे पसंद करता है। और तभी मैनी हैंक से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो हैंक उसे बताता है कि ये सारा है, जिसके बाद ये दोनों वापस अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन
लेकिन मैनी सारा के ही ख्यालों में खो जाता है क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसे उसने देखा था। और इसीलिए मैनी हैंक से कहता है कि दरअसल मुझे सारा काफी अच्छे लगने लगी है, और चाहे तो तुम मुझे सारा की तस्वीर वापस मत दिखाओ, लेकिन बस एक बार सारा की तरह कपड़े पहन कर आओ ताकि तुम्हें देखकर मैं सारा का चेहरा अपने दिमाग में सोच सकूं। इसके बदले में मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने में मदद भी करूंगा। जिसे सुनकर हैंक फिर मान जाता है, जिसके बाद वो आसपास पड़े हुए कचरे से लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर मैनी के सामने आता है। पर हैंक को देखकर मैनी कहता है कि तुम लड़की बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तो बाल है। इसे सुनकर हैंक फिर कैसे तैसे अपनी पूरी दाढ़ी काट देता है। इसके बाद हैंक का चेहरा बिल्कुल साफ होता है और मैनी उसे सारा की तरह इमेजिन करने लगता है। अब यहाँ पे हैंक मैनी को और भी खुश करने के लिए इधर उधर के कचरे से एक बस बनाता है ताकि हैंक मैनी को वैसे ही महसूस करे जैसे वो उसे देखा करता था। और वो हैंक से कहता है कि मुझे अब सिर्फ सारा से एक बार मिलना है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने के लिए। और हैंक जैसे ही अपना हाथ हटाता है, मैनी के हाथ से चिंगारियां निकलने लगती है। ये देखकर हैंक काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद उसे समझ आता है कि मैनी के शरीर से चिंगारियां भी निकल सकती है। अब उसी की मदद से रात के समय में आग जलाता है, जिसके बाद हैंक को जंगल में पड़े कचरे से कुछ पॉपकॉर्न भी मिल जाते हैं। लेकिन तभी पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा मैनी के गले में फंस जाता है, जिसे हैंक निकाल देता है। लेकिन ये टुकड़ा काफी जोरों से मैनी के मुंह से बाहर निकलता है, और ये देखकर हैंक को पता चलता है कि अगर मैनी के मुंह में कोई भी चीज रख दो और उसके पेट को अगर दबाओ तो वो चीज काफी तेजी से बाहर निकल सकती है। अब उसे एक आइडिया आती है, जिसके बाद हैंक मैनी के मुंह में कुछ लकड़ियां डालता है, और जैसे ही वो आसपास जानवरों को देखता है, उन लकड़ियों को वो तीर की तरह यूज करके जानवरों का शिकार करता है, और रात में ऐसी पेट पूजा होती है। दोनों भी काफी मजे करते हैं। अब यहाँ पे दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग हुआ था, और आगे बढ़ते हुए एक दिन दोनों भी एक पाइपलाइन पार कर रहे होते हैं। नीचे से नदी बह रही थी, पर तभी हैंक का पैर फिसल जाता है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे हैंक मैनी को कहने लगता है कि फार्ट करो ताकि हम दोनों भी ऊपर जा सके, लेकिन मैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इसीलिए हैंक एक तरकीब करता है और वो मैनी को किस करने लगता है। यहाँ पे मैनी को लगता है कि उसे सारा ही किस कर रही है, और वो काफी खुश हो जाता है, और फिर वो अपने शरीर से फार्ट निकाल कर खुद को और हैंक को पानी से बाहर निकलता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, और इसीलिए एक जगह आकर ये लोग रुकते हैं। इसी बीच में हैंक को पता चलता है कि उसके फोन में अब नेटवर्क आ गया है, और तभी हैंक अपना फोन चेक करता है। कुछ समय पहले उसने अपने पिता को उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे का मैसेज लिखा हुआ था, लेकिन उसके पिता ने अभी तक उस मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। इस बात से वो काफी मायूस होता है। दरअसल कुछ समय पहले हैंक की माँ गुजर गई थी, जिसके बाद उसे स्कूल में भी काफी बुली किया जाता था। पिता ही थे उसके जीवन में जिन्हें वो देखता था, उन्हें गाइड समझता था, लेकिन उसके पिता भी उसे इग्नोर करने लगे थे, जिसके कारण वो जिंदगी से काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद वो सोशल मीडिया चेक करने लगता है, और वो देखता है कि सारा ने अभी शादी कर ली है और उसके कृषि नाम की एक बेटी भी है। ये देखकर हैंक और भी ज्यादा मायूस होता है, और वो मैनी के पास जाता है उसे बताने के लिए, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर उसे बस में देखा करता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सारा से कभी बात करूं। लेकिन आगे वो हैंक उसे कुछ बता पाता, तभी वहाँ पे एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर हैंक मैनी के मुंह में पत्थर डालता है ताकि वो भालू पर हमला कर सके। लेकिन तभी हैंक का फोन नीचे गिर जाता है, और सोशल मीडिया पे मैनी फोन पर सारा की और उसके हस्बैंड की तस्वीर देखता है। ये देखकर मैनी को भी सदमा लगता है, और उसे लगने लगता है कि हैंक को ये बात पता था, लेकिन उसने ये बात छुपाई ताकि वो उसका इस्तेमाल करे। और ये जानने के बाद अचानक से मैनी की पावर सारी चली जाती है, और तभी भालू हैंक पर हमला करके उसे लेके जाने लगता है। लेकिन हैंक फिर मैनी से कहता है कि देखो, हमें सारा की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त है, हमेशा एक साथ रह सकते हैं। जिसे सुनकर मैनी को भी काफी अच्छा लगने लगता है, और उसकी पावर्स वापस आती है, और वो फार्ट करके उन दोनों को भी वहाँ से उड़ाकर लेके जाता है। पर तभी वो दोनों जाकर एक पेड़ से लटक जाते हैं, और तभी हैंक को नीचे गाड़ियाँ चलने की आवाजें आने लगती है। लेकिन तभी हैंक पेड़ से नीचे गिर जाता है, और फिर भालू आकर हैंक को पकड़ के लेके जाने लगता है। ये देखकर मैनी भी उस पेड़ से नीचे आता है, और काफी कोशिशों के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, जिसके बाद मैनी
अपने फाट से भालू को डरा कर भगाने लगता है। अब भालू जाने के बाद हम देखते हैं हैंक काफी जख्मी था और वो बेहोश हो गया था। अब अगली सुबह हैंक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मैनी उसे जंगल से शहर लेके आया है और अब वो सारा के घर के बाहर था। हैंक मैनी को रोकता है और कहता है कि सारा को मैं पसंद करता था लेकिन उसकी शादी हो गई है, मुझे उससे मिलना नहीं है। और उन दोनों में भी बहस होने लगती है लेकिन तभी क्रिसी सारा की बेटी आ जाती है और मैनी उससे दोस्ती करने के लिए जाता है और अपनी सारी शक्तियाँ उसे दिखाने लगता है। लेकिन क्रिसी काफी डर जाती है और रोने लगती है। उसकी माँ सारा वहाँ आती है और तभी हैंक और सारा एक दूसरे को देखते हैं। हैंक खुद को संभालता है और कहता है कि मैं और मेरे दोस्त काफी समय से जंगल में खो गए थे और हमें मदद की जरूरत है। फिर सारा इमरजेंसी फोन को कॉल करती है और क्रिसी को लेकर घर में चली जाती है। अब मैनी हैंक से कहता है कि तुम सारा को नहीं बताओगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। और ये कहकर मैनी को हैंक के साथ बिताए हुए वो पल, उनके दोस्ती के वो सारे पल याद आते हैं, जिसके बाद वो वापस से मारा जाता है। थोड़े समय के बाद वहाँ पे पुलिस और एक रिपोर्टर आती है। अब इधर पुलिस मैनी के लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रही थी, तभी वहाँ पे हैंक के पिता आते हैं और वो उस लाश को हैंक समझते हैं। उनका बेटा चला गया था ये देखकर वो काफी दुखी थे। दूर से हैंक ये सब कुछ देख रहा था लेकिन वो अपने पिता पे काफी गुस्सा था इसीलिए उनके सामने नहीं जाता। इसी दरमियान पुलिस को हैंक के फोन पर सारा की तस्वीर मिलती है और इसीलिए वो सारा और उसके पति को वो फोन दिखाकर उसे पूछते हैं कि आप हैंक को जानते हो। इसी दरमियान यहाँ पे हैंक अब जाकर मैनी के लाश को बाहर निकालता है क्योंकि हैंक का दोस्त चला गया था और वो काफी बेचैन हो रहा था। लेकिन तभी हैंक के पिता आकर वो जिंदा है ये देख वो काफी खुश होते हैं लेकिन हैंक उन्हें नजरअंदाज करता है क्योंकि जब हैंक उनके साथ था तब वो हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे और कहीं ना कहीं इसी के कारण हैंक घर से भाग गया था। लेकिन यहाँ पे अब हैंक को अपने दोस्त को वापस से जिंदा करना था। उसे पता था मैनी वापस से जिंदा होगा इसीलिए वो उसकी लाश को लेकर वापस से जंगल में जाता है जिसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी उसे रोकने के लिए आते हैं। रास्ते में ये लोग हैंक के बनाए हुए बस को देखते हैं। इस बस को देख के सारा भी समझ जाती है कि हैंक उसे प्यार करता है, जिसके बाद हैंक अब मैनी की लाश को समुन्दर के किनारे लेकर जाता है जहाँ से हैंक को होश आया था। लेकिन तभी वहाँ पे लोग आते हैं और हैंक को रोक लेते हैं। अब यहाँ पे हैंक भी फार्ट करने लगता है जिसके कारण से मैनी भी अचानक से फार्ट करने लगता है। हैंक फिर मैनी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर मैनी वापस से जिंदा हो जाता है, जिसके बाद मैनी फार्ट निकालते हुए समुन्दर में तैर कर चला जाता है और जाते हुए वो एक बार फिर से हैंक को देख कर मुस्कुराता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। ये पूरी मूवी हमें हैंक के दिमाग की स्थिति बताती है। दरअसल उसे स्कूल में बुली किया जाता था, उसकी माँ गुजर गई थी, पिता उसे निग्लेक्ट कर रहे थे, इसीलिए वो घर से भागकर जंगल में जाकर रह रहा था जहाँ पे वो अपनी दुनिया अपने रियलिटी से ब्रेक लेना चाहता था। लेकिन मूवी में हमें पहले वो आइलैंड पर दिखाया है, वो आइलैंड पर फंसा है यानी कि वो अपने दिमाग में बसे एक अकेलेपन में फंसा हुआ था। उस अकेलेपन से वो राहत चाहता था, उससे बाहर आना चाहता था और घर से भागा हुआ वो जंगल में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। और तभी हम मैनी को देखते हैं। मैनी दरअसल उसके दिमाग का ही एक इमेजिनेशन था जो उसे सुसाइड करने से रोक रहा था। उसी के मदद से वो आइलैंड से निकलता है यानी कि अपने ही माइंड के पावर से वो उस अकेलेपन से उस डिप्रेशन से बाहर निकलता है। और वो मैनी को अपनी कहानी बताता है जिससे हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी में आखिरकार हो क्या रहा था, वो अकेला क्यों महसूस कर रहा था। मैनी यानी उसी दिमाग की एक प्रति थी, वो उसे इन सारे चीजों से बाहर निकाल रहा था। जैसे कि मैनी हैंक को बताता है कि सारा के फीलिंग से अब उसे मूव ऑन करना चाहिए। और इसी तरह हैंक मैनी के मदद से जंगल के रास्ते से बाहर निकल आता है यानी कि वो अपने अकेलेपन से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करता है। जंगल में उसने बस वगैरह उसने रियल में बनाई थी और उसे लग रहा था कि वो मैनी को दिखा रहा है लेकिन मैनी बस उसके दिमाग की एक परछाई थी। अंत में हम देखते हैं मैनी मारा गया था। इसी का मतलब ये है कि हैंक अब पूरी तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आ गया था, ठीक हो गया था। उसे उसके इमेजिनेशन की या फिर दिमाग के उस दूसरे हिस्से की जरूरत नहीं थी जो उसे उस चीजों से बाहर निकल रहा था, इसीलिए मैनी वहां से चला जाता है। और असल में क्रिसी मैनी को नहीं देखती, वो हैंक की ही हरकतों से डर जाती है। यहाँ पे हैंक दरअसल अपने अकेलेपन से अपने उस रियलिटी से अपनी दुनिया से दूर जाना चाहता था और इसीलिए
वो एक जंगल की तरफ जाता है। दरअसल ये मूवी हमें हैंग के लोनलीनेस और बाद में उसकी और मैनी की दोस्ती दर्शाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आप यहाँ तक रुके ही है तो प्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।